हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 अपकमिंग 7 सीटर एसयूवी कार्स इन इंडिया। तो अगर आपको इन कार्स के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो 5th नंबर पे कार है वो है टाटा ग्रेविटस। ये एक 7 सीटर कार होगी और इस कार को आप हैरियर का 7 सीटर वर्जन भी कह सकते हैं। इस कार की इंटीरियर काफी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी की होगी और इसमें आपको हैरियर की तरह 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो 170 एचपी की पावर जनरेट करेगा, और 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 150 एचपी की पावर जनरेट करेगा। इस कार की हैरियर से ज्यादा लेंथ होगी बिकॉज ये एक 7 सीटर कार होगी, बट इसकी विड्थ हैरियर जितनी ही होगी। और इस कार में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे और पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा। और इस कार की एक्सपेक्टेड लॉन्च है अगस्त 2020 और इस कार की एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस होगी 15 लाख। सो जो 4th नंबर पे कार है वो है मर्सिडीज बेंज GLS 2020। इस कार को अमेरिका और इंटरनेशनली मर्सिडीज ने लॉन्च कर दिया है, बट इंडिया में ये कार कुछ मंथ्स में आपको सेल्स पे दिख जाएगी। इस कार का इंटीरियर काफी अच्छा है और इस कार में आपको 3 सनरूफ मिलेंगे। और ये कार इंडिया में सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही लॉन्च होगी और इस कार में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। और इस कार की एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस होने वाली है 19 लाख। सो जो 3rd नंबर पे कार है वो है MG हेक्टर प्लस। अभी MG हेक्टर की सेल्स इंडिया में काफी अच्छी हो रही है। MG हेक्टर का 7 सीटर वर्जन लॉन्च करने को सोच रही है, जिसको उन्होंने ऑटो एक्सपो 2020 में रिवील किया था, और वो कार है MG हेक्टर प्लस। और इस कार में आपको हेक्टर वाले सारे फीचर्स मिलेंगे, बट इस कार की लुक्स में थोड़ी चेंजेस की जाएगी। और MG ने ऑटो एक्सपो में इस कार की लॉन्च के बारे में बताया था कि ये कार इंडिया में मिड ऑफ 2020 लॉन्च की जाएगी, बट जैसा कि आप बताया अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी सारी चीजें बंद है। तो अब MG इसकी लॉन्च को थोड़ा एक्सटेंड कर देगी और प्राइस के बारे में अभी एग्जैक्टली कुछ सही से पता नहीं है, बट ये कार हेक्टर से थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो जो 2nd नंबर पे कार है वो है MG ग्लॉस्टर। ये भी एक 7 सीटर कार होगी और ये कार थोड़ी सस्ती होगी, बट इसमें आपको लैंड रोवर वाले फीचर्स मिलेंगे। और इस कार में आप पैनोरामिक सनरूफ, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इस कार में आपको वेंटिलेटेड और हीटिंग फ्रंट सीट्स मिलेंगे। और इस कार में आपको 2.0 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा और 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगी। अगर बात करें इस कार की लॉन्च के बारे में तो ये कार दिवाली के आसपास लॉन्च होगी, यानी अक्टूबर और नवंबर के आसपास ये कार लॉन्च होगी। और इस कार की एक शोरूम प्राइस होगी 27 लाख टू 35 लाख। सो जो 1st नंबर पे कार है वो है ह्यूंडई क्रेटा 7 सेक्टर। इस कार की टेस्टिंग इंडिया में स्टार्ट हो गई है और ह्यूंडई ने इस कार में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, बस ह्यूंडई ने इस कार को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया है और इस कार में 2 सीट्स को एड ऑन कर दिया है। इस कार में आपको क्रेटा वाले सारे फीचर्स मिलेंगे और इस कार में आपको क्रेटा वाले ही 3 इंजन मिलेंगे, 1.4 एंड 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। और इस कार की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है, उसके बाद ह्यूंडई इस कार की ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस कर देगी। सो ये थी टॉप 5 अपकमिंग 7 सीटर एसयूवी कार्स इन इंडिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।